हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्या होम किचन एंड ब्लॉग। तो मीट माय यूट्यूब फ्रेंड, ये हो गया पार्ट टू ब्लॉग। तो इस वीडियो में आप लोग ऐसे ही बने रहें और देखिए कि आगे आगे क्या क्या होता है। मैं अभी कहाँ आ गई हूँ ये भी आप लोग गेस कीजिए, ठीक है? चलो, आप लोग क्या बताओगे, आप लोग कमेंट में बताना कि स्टार्टिंग में ही आप लोग गेस कर लिए थे। पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं चली आई थी प्रज्ञा से मिलने के लिए फिर से, क्योंकि प्रज्ञा का डाल्टन में भी एक क्वार्टर है जहाँ प्रज्ञा रहती है। मतलब प्रज्ञा रहती नहीं, प्रज्ञा तो जमशेदपुर रहती है, बट यहाँ इसका एक फ्लैट है जो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। जब भी कभी एक दो दिन के लिए आती है तो अपना यहाँ रहती है। तो मैं चली आई थी प्रज्ञा के पास, क्योंकि प्रज्ञा का बार बार कॉल आ रहा था हमारे पास कि चलो कहीं मार्केट में चलना है, हम लोगों को घूमने के लिए कुछ कुछ खाना है, एंजॉय करना है। क्योंकि हम लोगों को ना मोमोज खाना था, और मोमोज प्रज्ञा का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। सॉरी, आप लोग गेस नहीं कीजिएगा प्रज्ञा का रूम का, क्योंकि प्रज्ञा का रूम बंद पड़ा रहता है इसलिए थोड़ा बहुत गंदा है, इसे इग्नोर करते रहना है, ठीक है? क्योंकि जब कोई रहता है तभी कोई क्लीन करता है, ठीक है? अगर कोई नहीं रहता है तो उतना क्लीन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं आ गई थी, तो प्रज्ञा मेरा अपना वेलकम की। उसके बाद फिर प्रज्ञा छत पे थी अपना डॉग के साथ। प्रज्ञा के पास एक लेबरा डॉग है जो छोटा है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो प्रज्ञा उसके साथ अपना छत पे इवनिंग वॉक कर रही थी, तो मैं चली आई छत पे ही। और हमारे दोनों बच्चे थे, इन लोग एक तरह से खुश भी थे डॉग को देख करके, और दूसरी तरफ से डर भी रही थी काव्या। काव्या बहुत ज़्यादा डर रही थी। और एक बार तो ऐसा हुआ ना कि चलो काव्या दौड़ रही थी, खेल रही थी, उसके साथ डॉग भी खेलने लगा। काव्या को लगा कि वो उसको परेशान कर रहा है और काटने के लिए वैसे कर रहा है, और काव्या गिर गई उसके डर से। तो फिर चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, होता है। तो फिर मैं चली आई थी नीचे, और प्रज्ञा हमारे लिए कुछ कुछ नाश्ता वगैरह ले आई थी। तो मुझे नहीं खाना है, क्योंकि हम लोग दोपहर में ही वाइली वाइली चीज़ खाए थे, ये सब धुसका वगैरह, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था। फिर भी चलो मंगाई तो कुछ कुछ खाएं। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपना घूमने के लिए। अब आप बताओ, पूछोगे कि चलो आपके बच्चे कहाँ हैं, तो मैं बता दूं कि प्रज्ञा के जो हस्बैंड हैं वो बोले कि नहीं, बच्चे लोगों को मैं रख लूँगा, आप लोग दोनों जाओ घूम करके आ जाओ। और मेरे भी हस्बैंड बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि चलो जाओ आप लोग भी घूम लो और कुछ कुछ पार्टी शार्टी कर लो। भाई दोस्त इतना दिन पे आई है, पहली मुलाकात है, फिर से मुलाकात होते रहेगा, बाद की बात है, लेकिन अभी फर्स्ट मुलाकात है, तो थोड़ा बहुत घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। तो मेरा एक और साथी है, और मेरा जो है वो स्कूटी। तो मैं निकाल ली अपना स्कूटी, और मैं और प्रज्ञा चल दी अपना मार्केट में। तो चलिए अब साथ है, आप लोग बने रहिए। बीच बीच में मंदिर पड़ रहा था, तो हम लोग वहाँ रुक करके और अपना भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे थे कि चलो भगवान जी आशीर्वाद दे दो कि हम लोग फिर से मिलें, और आप लोग आपका आशीर्वाद से हम लोग ऐसे ही ब्लॉग वीडियो बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। और भगवान जी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ भी है कि चलो मेरा अभी सब बहुत अच्छा चल रहा है, व्यूज वगैरह आ रहा है, मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, आपको मेरा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है। तो बस यही था। तो हम और प्रज्ञा निकल गए मार्केट के लिए। अब मार्केट में देखते हैं मोमोज कहाँ पे मिलता है, क्योंकि डाल्टनगंज में मोमोज हर जगह पे नहीं मिलती है, बस कुछ एक दो जगह ही है जहाँ पे मोमोज मिलती है। जैसे आपको हो गया मार्केट में एक जगह हो गया, फिर एक मॉल है आपको सिटी स्टाइल, एक वहाँ भी मिलता है। तो प्रज्ञा मेरे साथ बैठ गई थी, और प्रज्ञा बहुत ज़्यादा खुश थी, और प्रज्ञा बोल रही थी क्या कि मेरा फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ स्कूटी पे बैठना हो रहा है, क्योंकि ना लड़की के साथ बैठने पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना रहता है कि लड़की के साथ बैठने पे डर लगता है, क्योंकि हाँ होता है कि चलो थोड़ा सा लड़की लोग अच्छे से नहीं चला पाती है, या ज़रूरी तो नहीं कि हम भी नहीं चलाएं अच्छा। कुछ कुछ लड़कियाँ लोग अच्छे से नहीं चला पाती है, बट मैं तो बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली हम लोगों को एक मोमोज वाले मिल ही गया था, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। वहाँ पे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ था। तो हम लोग भैया को ऑर्डर लगाए कि भैया हम लोगों को चलो मोमोज चाहिए। तो यहाँ पे हुआ कि चलो क्या खाना है आपको, पनीर मोमोज या फिर वेज या फिर आपको चिकन? तो ऐसे नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो हम लोग वेज ही अपना ऑर्डर किए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए ना, हाफ हाफ प्लेट ऑर्डर किए, मतलब लगा कि चलो खा पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी पेट भरा हुआ था, बस हम लोग ऐसे ही इंजॉय करने निकले थे। तो बोले कि नहीं चलो पहले हाफ प्लेट खाएं, फिर से बोले कि नहीं भैया हाफ प्लेट और लगा। तो भाई ऐसे ऐसे करते हम लोग फुल प्लेट मोमोज खाएं। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो चटनी जो रहता है ना मोमोज वाला, वो बहुत ज़्यादा तीखा था।
तो हुआ कि अब क्या खाया जाए, और मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बोले कि चलो आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो फिर हम लोग आइसक्रीम वाले को ढूंढने लगे, तो साइड में ही बगल में ही एक भैया मोमोज के दो तीन ठेले बाद एक भैया आइसक्रीम वाले लगे हुए थे, तो वहाँ हम गए। तो वहाँ हम जो खोजे वो मिला नहीं मेरे को, ये चोकोबार। तो फिर मिला, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से लिए, और वहाँ से फिर हम पैक करवाए, बोले कि नहीं यहाँ पे नहीं खाना, क्योंकि आइसक्रीम मोमोज तो चलेगा, खुद खा लिए तो आइसक्रीम तो बच्चे लोगों को भी चाहिए ना, क्योंकि कान्हा जी का भी ऑर्डर था, किट्टू का भी ऑर्डर था, काव्या का भी ऑर्डर था कि हम आइसक्रीम हम लोगों को भी चाहिए। हम बोले कि चलो ठीक है, तो हम लोग अपना पैक करवा लिया आइसक्रीम और निकल दिए अपना। उधर पहले से ही का ये प्रज्ञा किट्टू और कान्हा जी के लिए मोमोज भी पैक करवा ली थी। हम लोग चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिसको जो इच्छा होगा वो खा लेगा। तो यहाँ पे काव्या और किट्टू और कान्हा जी के लिए भी पार्सल पैकिंग हो गया था, और हम लोग अपना चल दिए थे घर के लिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे घर पे पहुँच गए, बच्चे लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म हो गया, और मेरे हाथ में क्या था, आइसक्रीम और मोमोज। तो मैं जैसे जैसे छत पे जा रही थी, कान्हा जी मेरा आवाज़ सुना और उधर से दौड़ते हुए आया। उसके बाद फिर हम लोग चलो अंदर पहुँच गए, और बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे, क्योंकि हम लोगों को मार्केट में भी लगभग आधा एक घंटा हो गया था घूमते घूमते, और शाम काफ़ी हो गया था, इसलिए ये वीडियो पे ध्यान नहीं देना क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना दूसरे फ्लैट में जा रही थी, ये काव्या प्रज्ञा सेकेंड फ्लोर पे रहती है, मैं फर्स्ट फ्लोर में ही क्या हुआ कि चली गई। यहाँ पे कुछ क्लिप मेरे जो घर पे प्रज्ञा गई थी वो छूट गया था, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था ना, कि हम लोग खाना खा करके और सोने आए थे रूम में, नींद ही नहीं आ रहा था, तो प्रज्ञा बोलती है चलो ना कुछ हम लोग बात करते हैं, तो हम और प्रज्ञा उठ करके और कुछ कुछ बात कर रहे थे, ठीक है। और पता है प्रज्ञा कर रही थी कि नहीं मेरा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं यार तुम अच्छी दिख रहे हो, मेरा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। बस ऐसे ही करते करते हम लोग दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम तक बातें होते रहा, और हम लोग बोले कि चलो कोई बात नहीं, कमेंट करके पूछ लेंगे कि फेस किसका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, प्रज्ञा का या मेरा, क्योंकि वाकई में प्रज्ञा का फेस तो मेरे से ज़्यादा क्यूट है, मेरे से ज़्यादा अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, ये सब बातों को ध्यान नहीं देना है। उसके बाद फिर इधर कान्हा जी लोग कुछ कुछ बदमाशी कर रहा था, तो उसको भी देखना था कि चलो क्या कर रहा है कान्हा जी, क्योंकि कान्हा जी तो मेरा एक मिनट भी शांत नहीं रहता है। तो प्रज्ञा बोली कि चलो यार कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं। उसके बाद फिर चलिए मैं आइसक्रीम लेके आ गई, तो बच्चे लोगों को इतना कहाँ है सब्र भाई की सब्र करेगा, वो तो सबसे पहले कान्हा जी मुझे चाहिए मुझे चाहिए, किट्टू मुझे चाहिए, काव्या मुझे चाहिए, और इधर जो लेवरा डॉग था वो भी बिल्कुल हम लोगों के साथ में एनी टाइम रह रहा था, नहीं वो एक सेकंड भी इधर उधर नहीं रह रहा था। तो हम बोले कि चलो वो भी आइसक्रीम खा लेगा, तो प्रज्ञा बोली कि नहीं नहीं इसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो फिर कुछ 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 आइसक्रीम बच गया था वो फ्रीजर में डाल दिया, उसके बाद हम लोग अपना आइसक्रीम वगैरह खाने लगे, और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे आ गया हम लोगों का जुदाई का टाइम, क्योंकि अब तो सारा काम हो गया था, नाइट भी बिल्कुल ज़्यादा हो गया था, तो मैं निकल गई थी जाने के लिए अपने घर, प्रज्ञा मुझे छोड़ने के लिए नीचे तक चली आई थी, और फिर मैं जा रही हूँ अपने घर, बाय बाय टेक केयर। यहाँ पे प्रज्ञा क्या बोल रही थी कि चलो फिर से कभी